अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आज। सो आज का टॉपिक हमारा है कि हमने सी प्लस प्लस में स्टार्ट करना है कि इफ़ यूज़र जो है ए एंटर करे तो उसे शो हो, ऐसे स्टैरिक्स में बना हुआ ए शो हो। अगर यूज़र बी करता है तो उसे स्टैरिक्स में बना हुआ बी शो हो। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे ए और बी के बारे में, और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह करना है। पहले कुछ चीज़ें होती हैं इसमें समझने वाली, तो इसलिए मैंने सोचा चले आपको पहले अंडरस्टैंड कर दें कि क्या क्या होगा, किस तरह लूप यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग हमने ये लूप बनाना है, क्या लूप, इफ़ कंडीशंस लगाएंगे इसमें फॉर लूप के लिए। पता है अगर हम इसमें क्वेश्चन ये है इसका कि एक यूज़र है वो एंटर करे ए तो स्टैटिक्स में बना हुआ हमें ए शो हो। अगर यूज़र एंटर करता है बी तो बना हुआ शो हो बी। तो हम ये सारा ए से जेड तक करेंगे। तो फर्स्ट पहले मैं चार पहले ए और बी के बताऊंगा आपको, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आप ए और बाकी कंडीशंस वगैरह, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सो फर्स्ट इसके लिए पहले हमें हेडर फाइल शार्प इंक्लूड जो सी प्लस प्लस की होती है वो लिखूंगा मैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। चलें ये तो हर एक को पता ही होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, चलो इसलिए मैंने ज़रा इतना खास नहीं लिखा। चलें अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सी आउट हम प्रिंट कराएंगे, यूज़र कमेंट देंगे हम एंटर एन अल्फ़ाबेट, ऐसा ही होगा ना। अगर वो अल्फ़ाबेट ए करता है तो उसे ए शो हो उस तरह, ये सी इनपुट ये ए, और ये मैं क्या लूँगा चार, क्योंकि चार होता है अल्फ़ाबेट की शेप में। ये अगर हमने स्ट्रिंग लेनी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम ए बी सी डी डाले तो उसके लिए वो अलग होगा, इसलिए पहले एंटर एन अल्फ़ाबेट ए आ जाए तो उसके बाद ये सेमी कोलन डालना बहुत ज़रूरी। तो अब लूप लगाएंगे हम फोर लूप इंट i इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है कि इनिशियलाइजेशन हमने करनी है फर्स्ट लूप। अगर किसी का कुछ नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में, फिर फर्दर हम अपनी कंडीशन शुरू करें। इनिशियलाइजेशन अगर इंट i इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है पहले इनिशियलाइजेशन करना है, सेमी कोलन इसके बाद डालते हैं, फिर कंडीशन इसके बाद अप्लाई होती है कंडीशन कि हमने कितना चाहिए i लेस देन, मैं कह रहा हूँ 5/5 का बनाए तो सो i, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। ओके फिर ये लूप लग गया। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि एक और लूप लगाएंगे हम, नेक्स्ट लूप इसे बनेगा ये इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे छोटा है 5 से और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, हमें पता है कि अगर यूज़र एंटर ए करे तो वो इस शेप में ए स्टैरिक बना हुआ हो, तो इसके लिए मैंने कंडीशंस लगाई है कि आई जो है 5। और आपको एक बार याद रखनी है कि जो फर्स्ट वाला लूप है ये वाला जो लूप है वो शो करता है रोज़ को, और जो ये वाला है ये करेगा कॉलम्स को, ठीक हो गया। इफ़ अब मेरी कंडीशन कॉलम को ये शो करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ए बना हुआ स्टैरिक में शो हो, तो इसके लिए पहले 5/5 का कंडीशन है, मसलन 5/5, इसका मतलब ये है कि कंडीशन का कि जो इंडेक्स में होती हैं 0 से 5 तक, 4 तक होगी पर होंगे 5 डिजिट्स। मसलन अगर मैंने कहा आई लेस देन 5 है तो इसका मतलब क्या है 0, 1, 2, 3, 4, मसलन 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, 5 से कम है, 5 इक्वल टू नहीं। अगर मैं कहता 5 इक्वल टू फिर 5 शामिल होना था, पर इस कंडीशन में मैंने 5 कहा, तो इसका मतलब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी। इस अगर लूप को मैं एज इट इज़ प्रिंट कराऊं कोई लॉजिक आगे ना दूं तो 0, 1, 2, 3 और ये 4, इसी तरह कॉलम, ये जो नेस्टेड लूप है इसका मतलब है कॉलम, तो 5 कॉलम भी इसी तरह शो होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और ये एज इट इज़ इसी तरह। अगर मैं इधर कोई कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो मैं सिंपल अगर एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहूँ इसे ऐसे तो मैं इधर लिख लूँ सी आउट तो ऐसे स्टार, पर हमें चाहिए ये, तो हमें चाहिए ये एक शेप में, मसलन ऐसे मैं चाह रहा हूँ, ये देखें अगर हम ऐसे ऐसे और ये लाइन, मसलन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सा ये लूप है फर्स्ट वाला ये शो करेगा रो को और ये कॉलम। इफ़ अगर अब इधर हम लॉजिक बनाते हैं आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई मसलन ये ज़ीरो मतलब पहली रो, ज़ीरो मतलब पहली रो, और जे जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जे का मतलब है ये कहे फर्स्ट कॉलम, जे फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो मतलब ज़ीरो फर्स्ट रो होता है इंडेक्स में, जिसे हम 1, 2, 3 शुरू करते हैं इसमें ज़ीरो आएगा पहले।
और मैं चाहता हूँ कि जे इज़ इक्वल टू फोर, मसलन लास्ट कॉलम आ जाए जे इज़ इक्वल टू फोर, और मुझे कौन सा चाहिए, ये रो मिड वाली चाहिए, तो मैं दिस इज़ करूँगा 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 और 4, ये 2 भी आ रहा है तो मैं करूँगा जे इज़ इक्वल टू 4, जे नहीं नहीं आई इज़ इक्वल टू, क्योंकि आई है ना ये आई, जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 0, और मैं चाहता हूँ आई इज़ इक्वल टू 2 आए, आई इज़ इक्वल टू 2, और ये मेरा, और मैं इन जगह पर मैं चाहता हूँ कि जो सी आउट है ना, अगर ऐसा हो तो प्रिंट हो जाए जो सी आउट है स्टार की शेप में, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ एल्स जोन सी है कंडीशन सी आउट वो प्रिंट हो स्पेस, मसलन ये जो है ई ई, बाकी जोन सी रोज रह जाएंगी 2, 1, 3, 4, इनकी जगह पे मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए एल स्पेस, तो ये होगी स्पेस प्रिंट। तो और इसके अलावा आगे जो होगा ये लूप यहाँ पे ख़त्म, ये इसके लॉजिक था नेस्टेड लूप में, और नेस्टेड लूप एक लूप जो रोज़ वाला है उधर मैं चाहता हूँ कि एंडल आ जाए, एंड्स पे एंडल आ जाए शो हो। ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास सारा ए का, इसी तरह हमने बी भी बनाना है। तो अब मैं दूसरी डायग्राम वगैरह नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ लूप से शो करूँगा, फोर आई इज़ इक्वल टू इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। इसके अंदर एक नेस्टेड लूप भी लगेगा, अब इंट जे इज इक्वल टू 0, जे छोटा है 5 से, जे प्लस प्लस, अब मैं लगा रहा हूँ एक लूप इसके अंदर। अब मुझे कंडीशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बी शो, मसलन ये मेरे पास स्ट्रक्चर था 0, 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
एक दो तीन चार पाँच परसेंट, ये फाइव कंडीशन है। पहला रो, दूसरा कॉलम। अब मुझे चाहिए बी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो, एक यहाँ पर आए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये बन गया हमारे पास बी। जब वो काउंट करेंगे तो सो देखे ना, ये बन गया बी। तो अब मैं इसके लिए कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फर्स्ट रो चाहिए हमें, जे इज इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड रो भी चाहिए, सेकेंड मसलन कॉलम चाहिए फर्स्ट। अब मुझे चाहिए आई इज इक्वल टू टू भी चाहिए मुझे, क्योंकि ये वाले आई इज इक्वल टू टू जो है वो इस रो कॉलम रो को शो करेगा। आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू, और जो सा है आई इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर, फोर चाहिए रो मुझे। और नेक्स्ट पे लास्ट कॉलम चाहिए, जे इज इक्वल टू फोर। ये हो गया हमारे लिए बी का लॉजिक। इन चीज़ों पे, इन जगह पे मैं चाहता हूँ कि सी आउट जो है वो प्रिंट हो स्टार, एल्स इनके अलावा जो है, जो इनके अलावा मैं चाहता हूँ जो सी आउट है वो प्रिंट हो स्पेस। ऐसे ही है, ये ख़त्म, ये नेस्टेड लूप का ये वाला ख़त्म। अब मैं चाहता हूँ कि एंडल आ जाए एंड पे, क्योंकि रो में एक ही रो में सारी लाइन शोज ना हो जाए, तो इसके लिए एंडल मसलन नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ये हो गया हमारे पास गोड ख़त्म। अब यूज़र जो ये लिखेंगे, यूज़र एंटर बी करेगा तो वो बी की शेप में होगा। चलो अब आगे हम अपना प्रैक्टिकल्स की शेप में भी आपको दिखाते हैं हम। सो जिस तरह मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल्स के तौर पर भी, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल्स में उस तरह ये किस तरह वो देखें। उसी तरह मैंने कंडीशंस लगाई, इफ़ यूज़र मैंने कमेंट कराया, चार दिया इंट, ये मैंने ए के लिए प्रोसीजर सारा किया। सो आगे मैंने बी के लिए उसी तरह ही सारी कंडीशंस लगा दी। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इनका प्रोसीजर किस तरह ये हमें शो होगा। सो पहले हम सेव कर लेते हैं, ये रन किया मैंने, इफ़ मैंने कहा यूज़र एंटर करे ए तो हमें ए शो हो। ऐसा ही है, ये है हमारे पास एंटर दी अल्फ़ाबेट ए, मैंने एंटर ए किया और ये स्टैटिक्स में क्या शो हुआ, ए। इफ़ अगर यूज़र एंटर बी करे, इफ़ ये यूज़र ने एंटर बी किया और ये बी की शेप में शो हो गया। इसमें कंडीशन ये थी कि हमने आगे ए में जो है थी ना, ए में
स्पेस हमने थोड़ी सी कम दी हुई थी, ये देखें ये लाइन, ये स्पेस एक है, पर बी की कंडीशंस में ये स्पेस डबल कर दी है ये वाली, ये सो कंडीशन इज ख़त्म और ये हमने अप्लाई कर दिया रूल्स। तो बाकी आप कोशिश करें बनाना खुद से, आपको काफ़ी हद तक लूप्स की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको कुछ अल्फाबेट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।